हेलो फ्रेंड्स, डिलाइट फूड्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं केले की सब्जी बनाने जा रही हूँ, उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसके लिए सबसे पहले आलू और केले को इस साइज का काट लें। एक केले में चार टुकड़ा कर लें और गोल गोल काट लें आलू, और इसको अच्छी तरह से वॉश कर लें, धो लें और सारा पानी उसका निचोड़ दें। इस तरह से केले काट ले और आलू काट ले। चलिए फिर मैं बनाने की ओर बढ़ती हूँ। सबसे पहले मैं एक पैन चढ़ाऊँगी उसमें, उसके बाद थोड़ा सा उसमें तेल डालूँगी, दो से तीन स्पून में डालूँगी तेल इसमें, और पंच फोरन से इतना अच्छा टेस्ट आता है ना। इसमें पांच तरह की इसमें फ़ौरन की चीज़ें होती हैं, जैसे जीरा, मेथी, अजवाइन, ये सब होते हैं, सौंफ होते हैं, और मैं ये सारे डाल दूँगी उसमें। जो केले और आलू हैं ना, बड़े बड़े साइज़ के कटे हुए, इसको मैं सॉटे करूँगी, फ्राई करूँगी, पिंक होने तक मैं इसको फ्राई करूँगी। 5 से 6 मिनट फ्राई करेंगे तो हो जाएगी, ये ब्राउन हो जाएगा। थोड़ा सा ढक ढक कर मैं फ्राई करती हूँ इसको। देखो अब ब्राउन पिंक हो गए ना। अब इसमें यहाँ पे मैं इसमें मसाले डालूँगी। ये जो मस्टर्ड है ना, इसको मैंने पीस लिया है, पेस्ट बना लिया है, 2 से 3 स्पून है ये। अब मैं इसको डालती हूँ, ये मस्टर्ड में ही बनता है, और ऑयल भी आप मस्टर्ड वाल ही डालना। उसके बाद मैंने 2 प्याज पीस के रखा था, वो डाल देती हूँ। फिर टमाटर की प्यूरी मैं डाल देती हूँ, टमाटर को भी पीस के रखा था। सारा एक ही साथ आप डाल देना, और सॉल्ट तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही आप डालोगे। और ये फिर रेड चिली पाउडर, ये बिल्कुल जो नॉनवेज खाते हैं ना, ये टर्मेरिक 1 टीस्पून, और ये धनिया पाउडर 1 टीस्पून, गार्लिक पेस्ट 1 और जिंजर पेस्ट 1। जो नॉनवेज खाते हैं ना, उनको बिल्कुल ये फिश की तरह लगेगी, बहुत अच्छी लगती है। आप राइस के साथ खाओ ना, बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल फिश की तरह लगती है। इसको अच्छी तरह आप मिला लें और ढक ढक कर थोड़ा सा तेल छोड़ने तक, देखो तेल छोड़ने लगा, तेल छोड़ने तक आप इसको भून लें। और फ्लेम आप मीडियम टू लो रखे हो, 5 से 10 मिनट तक आप इसको भून लो। देखो लग रहा है थोड़ा थोड़ा तो हो ही गया। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। पहले मैं इसमें कसूरी मेथी डाल देती हूँ, 1 टीस्पून इसमें कसूरी मेथी जाएगा। अब फिश में भी डालते हैं ना कसूरी मेथी, जिससे उसका ग्रेवी कितना अच्छा लगता है। कसूरी मेथी तो सब में जाता है ना, अब तो विंटर आ गया, इसमें तो बहुत ही आपको फ्रेश फ्रेश भी मिलेगा मेथी के पत्ते। और मैं 1 कप वाटर डालूँगी, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा, एक बार पूरा नहीं डालूँगी, थोड़ा थोड़ा करके अब मैं डालूँगी इसको। देखो इसके कलर कितने अच्छे लग रहे हैं। ये आप मस्टर्ड में बनाओगे ना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसके आप तेल भी डालो मस्टर्ड वाल, और मस्टर्ड सीड जो होती है उसका भी पेस्ट बनाकर आप उसी में बनाओ। वैसे ये इसमें भी बनते हैं जीरे में, लेकिन इसको मैं मस्टर्ड में बनाती हूँ तो मुझे ज़्यादा पसंद आता है। आप बनाकर देखना, बहुत अच्छा लगता है। देखो कलर कितने अच्छे लग रहे हैं ना, रेड रेड। इसमें फिर आप ये बनाओगे ना तो दाल की ज़रूरत भी नहीं है, आप इसके साथ ही राइस खा सकते हो। अब मैं ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ती किसे गार्निश कर देती हूँ। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना। देखो मेरे बनकर रेडी हो गए, मैंने गैस ऑफ कर दिया। फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करना, जिससे नोटिफिकेशन आ जाए। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना। अब मैं इसको ना एक बाउल में निकालती हूँ।
बॉल में निकाल कर आपको दिखाती हूँ। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना। अब बनाओ, खाओ।